स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बंगाल के पंचायत चुनाव के नामांकन में हिंसा को लेकर बड़ा फैसला कलकत्ता की हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और ये ममता बैनर्जी के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आपको एक बार फिर बता दें, बंगाल के पंचायत चुनाव में नामांकन को लेकर हुई हिंसा पर सीबीआई जांच के आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। क्या है पूरा माजरा विस्तार से जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पारित किए हैं। बंगाल राज्य में विपक्षी दलों ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम शामिल थे। उनका आरोप था कि कुछ उम्मीदवारों के नाम कैंडिडेट की लिस्ट से गायब हो गए हैं, यानी नॉमिनेशन फाइल तो उन्होंने किया था, लेकिन वो उस नॉमिनेशन फाइल करने के बावजूद कुछ कैंडिडेट्स के नाम नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हाल फिलहाल में जिस तरीके से पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में खूनी खेल देखने के लिए मिल रहा है, इसे लेकर भी कई सारे सवाल दागे गए। मामला हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग को जमकर फटकार भी लगाई थी। अब ऐसे में ये जो मामला है, इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस अमृता सिन्हा ने पंचायत चुनाव की हिंसा पर नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई। उन्होंने कहा, पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा देखी गई है, अगर ऐसा ही रक्तपात चलता रहा तो चुनाव को रोक देना चाहिए। हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट भी बंगाल पंचायत चुनाव की हिंसा पर सख्त टिप्पणी कर चुकी है। अब ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह बड़ा आदेश पारित कर दिया है और इस आदेश से साफ समझ में आ रहा है कि हिंसा के दौरान जो है बीजेपी से लेकर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने टीएमसी पर आरोप लगाए थे और इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर जो है मांग की गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश तक दे दिया था और इसके बाद भी राज्य चुनाव आयोग और बंगाल सरकार ने मामले की संजीदगी ना दिखाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग नहीं की। इस पर फिर बीजेपी और कांग्रेस की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जो ममता बैनर्जी के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा था। अब ऐसे में इसी बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक और बड़ा झटका ममता सरकार को दे दिया है और उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिया है। इसके पीछे का कारण स्पष्ट है, क्योंकि जैसे हिंसा हो रही है बंगाल में, इसे लेकर आपको बता दें कि बीजेपी पर आरोप लगाती है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी पर आरोप लगाती है बीजेपी, बीच में कांग्रेस और सीपीएम का भी रोल देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में आखिर हिंसा किसके वजह से हो रही है? कैंडिडेट के नाम क्यों हटाए जा रहे हैं? बंगाल की सरकार क्यों अपने हिसाब से काम को नहीं कर पा रही है? बंगाल में इतनी त्रुटि क्यों नजर आ रही है? इतनी ज्यादा हिंसा कैसे हो रही है? बंगाल सरकार क्यों इन हिंसाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? नामांकन दाखिल करने से इतना हेजिटेशन क्यों है बंगाल में? किसी और अलग पार्टी के जो भी व्यक्ति है उन्हें नामांकन दाखिल करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है? ममता बैनर्जी हिंसा पर क्यों नहीं बात कर रही है? कई सारे सवाल है जिन सवालों को लेकर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने के लिए मिल रहा है। और इन सभी चीजों को देखते हुए ही अब कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, ताकि आखिर ये समझ आ सके जो इस वक्त जो ये रक्तपात चल रहा है, जो ब्लड बाथ चल रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। और इस तरीके से पंचायत चुनाव से पहले, ऐसा आलम है विधानसभा चुनाव से पहले भी इसी तरीके की सिचुएशन देखने के लिए मिली थी। और जब जब कहते हैं कि बंगाल का चुनाव का समय आता है, तब तब बंगाल में यही खूनी खेल देखने के लिए मिलता है और ये चुनाव खूनी चुनाव के नाम से जाने लगता है। और ऐसा ही इस बार भी देखने के लिए रहा है, जहां पर आम जनता जो है इस मामले में स्ट्रगल करती नजर आ रही है। तो ये देखिए झटका है उनके लिए। पश्चिम जो है बंगाल के पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान दस्तावेजों में भी गड़बड़ी हुई है और दस्तावेजों की गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया गया है। पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान बंगाल में जमकर हिंसा हुई और इस हिंसा के खिलाफ भाजपा के अलावा कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। यानी ममता बनर्जी जिस कांग्रेस से उम्मीद कर रही थी कि जो कांग्रेस उनका समर्थन देगी, जिससे समर्थन की उम्मीद कर रही थी, 23 तारीख को जो है विपक्षों की बैठक भी होने वाली है, वो समर्थन उन्हें मिलता तो नहीं नजर आ रहा है और बौखलाहट भी अलग लेवल की चल रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो है हाईकोर्ट में जस्टिस अमृता सिन्हा ने यह फैसला लिया है और उन्होंने पंचायत चुनाव की हिंसा पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा देखी गई है, अगर ऐसा ही रक्तपात चलता रहा तो चुनाव रोक देना चाहिए। जज ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसी हिंसा राज्य के लिए शर्म की बात है, इतनी अव्यवस्था क्यों? राज्य चुनाव आयोग
क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से राज्य चुनाव आयोग को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और अब हाई कोर्ट के जज द्वारा भी उन्हें फटकार लगाई जा रही है कि आखिर ये क्या हो रहा है बंगाल में और क्यों इसे लेकर राज्य चुनाव आयोग के हाथ बंधे हुए हैं और वो कुछ करने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में आपको बता देते हैं कि बंगाल में हिंसा जो है कहाँ कहाँ हुई है, किस तरीके से हिंसा का माहौल देखने के लिए मिला है, जिसके बाद ये सवालिया निशान जो है खड़े किए जा रहे हैं। तो राज्य के दक्षिण 24 परगना के नॉर्थ दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद और भाननगर में हिंसा हुई थी। इन इलाकों में हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। राज्य के भाननगर क्षेत्र में हिंसा सबसे ज्यादा जो है देखने को मिली थी। यहाँ इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF और CM ममता बैनर्जी की पार्टी TMC के कार्यकर्ता भिड़ थे। यहाँ एक दूसरे पर बम फेंकी गई और कई जो गोलियां भी चलाई गई, कई वाहनों को भी आग जो है लगा दी गई थी। हाईकोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट भी बंगाल पंचायत चुनाव की हिंसा पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 जून को आदेश दिया था कि पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। इसके खिलाफ बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करके ममता सरकार को झटका दिया था, टिप्पणी की थी, फटकार भी लगाई थी ममता सरकार और चुनाव आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग के लिए भी टिप्पणी की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव करवाना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है। अगर लोग नॉमिनेशन भरने नहीं जा पा रहे हैं, उम्मीदवारों के समर्थन आपस में भिड़ रहे हैं, तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इसे जरूरी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं, वहीं 11 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और इसी से पहले 15 जून तक चुनाव के नॉमिनेशन होने थे और इस दौरान कई बार हिंसा हुई और कई लोगों की जान भी गई। इसी तरह 2018 में पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में 20 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे 2018 में भी ये माहौल था और अब 2023 में भी यही माहौल देखने के लिए मिल रहा है। बंगाल बिल्कुल नहीं बदला क्योंकि बंगाल में सत्ता परिवर्तन अभी नहीं हुआ है और बंगाल में जब से ममता बैनर्जी का राज है इसी तरीके से हर चुनाव से पहले अगर आप कहेंगे तो ये खून की होली जो है खेलने के लिए मिलती है, देखने के लिए मिलती है और इस पर हर बार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने के लिए मिलता है, जो इस बार भी पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में ये देखिए बड़ा फैसला जो है लिया गया है। इन हिंसा के पीछे का कारण गड़बड़ी जो है देखने के लिए मिली है। डॉक्यूमेंट्स में, नॉमिनेशन फाइल्स में भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जिसे लेकर अब हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश दे दिया गया है कि इस पूरे मामले में CBI की जांच हो और सच जो है जनता के सामने आए, जनता को अपना उम्मीदवार जाननी है और इसके पीछे जिस तरीके की आप कह सकते हैं साजिश चल रही है, जो हंगामा हो रहा है, इसके पीछे की कार्य जाने का पूरा पूरा अधिकार है और इसी वजह से कोर्ट ने अब CBI जांच के आदेश पारित कर दिए। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर अब जो है कोलकाता हाई कोर्ट सख्त रुख अपनाती नजर आई और उन्होंने इस पूरे मामले में CBI जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही साथ जो है हाई कोर्ट के जज द्वारा टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि पंचायत चुनाव में हिंसा राज्य के लिए शर्म की बात है और अगर इसी तरीके से रक्तपात होता रहेगा तो चुनाव नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।